कहते हैं जब किसी इंसान की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो मौत के बाद उसकी आत्मा भटकने लगती है। विद्वानों के अनुसार ऐसा तब होता है जब उसकी मौत समय से पूर्व हो गई हो और मन में दबी इच्छा अधूरी ही रह गई हो। आज यहाँ आपको कुछ ऐसे ही स्थानों की ओर ले जाया जा रहा है जिन्हें कभी भूतों के नाम से ही जाना जाता रहा है। बताते हैं इन स्थानों से लोग रात में तो क्या दिन में भी निकलने से डरते हैं। इन स्थानों पर चूड़ियों की आवाज, किसी के चलने का एहसास, भयानक आवाजें, रोने की आवाज, अनजान साए होने का एहसास अक्सर ही लोग महसूस करते हैं। कई बार लोगों के डरने की समाचार भी उन दिनों आते रहे हैं जिसकी वजह से ये जगह भूता स्थानों के नाम से ही जानी जाने लगी है। बीटी तिराहा गड़ा रोड पर स्थित पीपल के पेड़ के संबंध में बताया जाता है कि किसी जमाने में यहाँ आत्माएं वास करती थीं। रात के वक्त लोग यहाँ से निकलने से डरते थे। कई बार देर रात यहाँ से गुजरने वालों को किसी साए का एहसास भी हुआ है। हालांकि आज पेड़ मौजूद है लेकिन ऐसे किसी भी भूत या उससे जुड़े रहस्य के लिए जगह नहीं है। पाट बाबा की पहाड़ियों पर स्थित एक पुराने किले को लेकर भी कई तरह के किस्से प्रचलित हैं। बताया जाता है कि यहाँ रानी दुर्गावती का वास टावर हुआ करता था जो समय के साथ खंडर में तब्दील हो गया। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इन स्थानों पर कभी भयानक आवाजें आती थी। जंगल एरिया होने की वजह से लोग यहाँ आने से डरते थे। कई बार लोग इन आवाजों से सहम भी जाते थे और रात के वक्त या सुनसान दोपहरी में यहाँ से निकलने से डरते थे। जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम भुवारा में भी कई तरह के भूता किस्से प्रचलित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ वर्षों पहले यहाँ एक युवक की मौत हो गई थी जिसकी रूह को बाद में गांव के लोगों ने यहाँ वहाँ रोते और भटकते हुए देखा है। इसी प्रकार एक ग्रामीण के अनुसार एक रात वह गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक पेड़ के पास आराम के लिए रुक गया। उसे किसी ने इसी दौरान पेड़ की ऊंचाई तक उठाया और नीचे पटक दिया जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई जा सकी। ग्रामीणों के अनुसार इसी वजह से उसकी गर्दन आज भी तिरछी है। रिछाई के समीप ही कुछ सालों पहले एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिला। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुबह होने पर उसने बताया कि रेलवे स्टेशन के समीप अंधेरे में किसी ने उससे लिफ्ट मांगी। सुनसान होने पर उसे लिफ्ट भी दी गई। उस दूरी तक दोनों बातें करते हुए गए लेकिन जब घर के समीप पहुँचने पर उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था जिसकी वजह से डर कर वह बेहोश हो गया था।